इसमें हमारे पास वी वर डूइंग मॉड्यूल 5, तो हमने के मैप टॉपिक कर लिया. व्हाट इज लेफ्ट? डिजाइन ऑफ बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर. जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 90% टाइम दे हैव गिवन यू द क्वेश्चन फॉर द मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो नाउ विल डू बेस्ड ऑन मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, अब सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर. तो बेसिकली अगर और मैं बेसिक में जाऊं तो वील हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट. ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है? लाइक कॉम्बिनेशनल में तीन कैटेगरी के आ जाते हैं. एक आता है एडर, वन इज मल्टीप्लेक्सर, अनदर वन इज डी मल्टीप्लेक्सर. अब इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने कुछ इनपुट दी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाती है. बट अगर हमें सिक्वेंशियल पढ़ना है तो सिक्वेंशियल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. इसमें वैसे क्या होता है कि एक के इनपुट दूसरे की आउटपुट बन जाती है, फिर इसकी आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है. तो तुम्हारे उसमें ये तीन टॉपिक हैं, इनमें से एक क्वेश्चन दे विल गिव यू डेफिनेटली. ओके, सो सबसे पहले विल यूज टू स्टडी अबाउट द मल्टीप्लेक्सर. इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज अ मक्स. क्या बोलते हैं इसे? मक्स बोलते हैं. सो मक्स क्या है? मल्टीप्लेक्सर इज अ काइंड ऑफ सर्किट, इज अ टाइप स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट वेयर वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ इनपुट एंड वील हैव ओनली वन आउटपुट. ओके, एन नंबर ऑफ इनपुट मीन्स वी कैन हैव 2^1, 2^2, 2^3 एंड 2^4. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 2:1 का मल्टीप्लेक्सर होता है हमारे पास, देन विल हैव 2:2, 4, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर होता है हमारे पास, देन वी आर हैविंग 2^3 मीन्स 8:1 का मल्टीप्लेक्सर होता है, देन 2^4 मीन्स 16:1 का मल्टीप्लेक्सर होता है. इसके आगे भी होता है 2^5, दैट इज 32:1, बट तुम्हारे सिलेबस में मैक्सिमम यू नीड टू डू अप टू 16:1. ठीक है, अगर तुम कब पूछोगे कि मैम क्या 3:1 का होता है? नहीं, सीरीज यही चलती है टू वाली. गॉट इट? एंड एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये क्या है, इस साइड इनपुट्स हैं और इस साइड क्या है, आउटपुट है. आउटपुट इज ऑलवेज वन एंड दैट आउटपुट इज डिनोटेड बाय वाई. ओके, एंड स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लाइक स्टार्टिंग इज डी नॉट, D1, D2, अप टू इज इट गोज अप टू D ऑफ n माइनस 1. क्लियर? n माइनस 1 मतलब अगर मान लो मैंने 8:1 का मल्टीप्लेक्सर ले लिया है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी इनपुट की? D नॉट से. और ये कहाँ तक जाएगा? D नॉट से n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज 7. तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? D नॉट से D7 तक जाएगा. गॉट इट? एक नंबर कम क्योंकि 0 से 7 तक पूरा वो 8 हो जाता है, काउंटिंग में 8 हो जाता है. नेक्स्ट थिंग, इन दिस वी नीड टू केस सिलेक्ट द सिलेक्ट लाइन ऑल्सो. सिलेक्ट लाइन कैसे होती हैं? लाइक एस नॉट एस वन एंड देन ये कहाँ से जाती है? एस ऑफ एम माइनस 1. नाउ सी व्हाट इज एम माइनस 1. अगर 2:1 का है तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 1. अगर 4:1 का है तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 2. ठीक है, 8:1 का है तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 3. और 16:1 का मकसद तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 4. तो विल हैव फॉर्मूला बेस्ड ऑन दैट, दैट इज 2^m इज इक्वल टू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन. m क्या है? नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन. n क्या है? कि हमारे पास ये कितने इनपुट्स होती हैं. गॉट इट? अब वन बाय वन करके मैं बेसिकली इसका मतलब बताती हूँ होता क्या है. लाइक सपोज, जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग अ कबर्ड.
ओके अलमीरा इन विच यू आर हैविंग फोर बॉक्सेस इन द अलमीरा. लाइक सपोज एक में तुमने जीन्स रखी, एक में तुमने टी शर्ट रखे, एक में तुमने अपनी एक्सेसरीज रख दी और एक में तुमने अपने बैग्स रख दिए. ठीक है, तो तुमने कितने इनपुट दी है, हाउ मैनी इनपुट्स यू गेव इट टू दिस, दैट इज फोर इनपुट्स, करेक्ट. एंड आउटपुट यू विल गेट इट इन वन फॉर्म ओनली. आउटपुट एक ही आएगी, या तो जीन्स आएगी या टी शर्ट आएगी, एक्सेसरीज आएगी या बैग आएगा. क्लियर. तो यू नीड टू गिव कमांड कि तुम नहीं जाना चाहते, उठ के तुमने जस्ट अपने कमांड दे दी कि इफ यू सिलेक्ट नंबर थ्री तो क्या निकल के आ जाएगी, तुम्हारी एक्सेसरी बाहर निकल के आ जाएगी. ठीक है, तो एक्सेसरी से कनेक्शन हो जाएगा. इफ़ यू सिलेक्ट नंबर फोर तो बैग आ जाएगा, इफ़ यू सिलेक्ट नंबर टू तो ये आ जाएगा, इस तरह से. क्लियर. मल्टीप्लेक्सर हमारा ये काम करता है कि हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट लाइन से, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट इज, अब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ. बेसिक मैं 4:1 का ले लेती हूँ. ठीक है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर. सपोज यू नीड टू ड्रॉ, सो एज आई टोल्ड यू 2^2 इज इक्वल टू 4. तो इसमें कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी, 2 सिलेक्ट लाइन होंगी, राइट. 2 सिलेक्ट लाइन मीन्स दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम S0 एंड दिस वन वुड बी S1. सो हाउ मैनी आर द इनपुट्स, 4 इनपुट्स होंगी. वन स्टार्ट विद D0, देन D1, देन D2, देन D3 एंड आउटपुट इज डिनोटेड बाय Y. ओके, सो देयर वी आर हैविंग 4 डेटा इनपुट्स, 2 सिलेक्ट लाइन एंड 1 इज द आउटपुट. बेस्ड ऑन दिस वी नीड टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. सो S0, S1, दीज आर द सिलेक्ट लाइन्स एंड आउटपुट इज डिनोटेड बाय Y, राइट. तो ये क्या हो गई हमारे पास आउटपुट, और ये क्या हो गई इनपुट. क्योंकि तुम क्या इनपुट में क्या दे रहे हो, तुमने अपने फ़ोन से सिलेक्ट करा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो तुम्हारा इनपुट है. और तुम्हारी जीन्स टी शर्ट बाहर निकल के आ रही है, वो तुम्हारा क्या है, आउटपुट, करेक्ट. तो अब देखो, दो इनपुट हैं, तो टेल मी हाउ मैनी वुड बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. अगर तुम्हारे रूम में दो बल्ब हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, दो बल्ब हैं तो या तो दोनों ऑफ होंगे, या एक ऑफ होगा एक ऑन होगा, या पहले वाला ऑन होगा दूसरे वाला ऑफ होगा, या दोनों ही क्या होंगे, ऑन होंगे, यही होगा, या इसके अलावा भी कोई और होगा. मतलब तुम ऐसे सोचो, दो बल्ब हैं तो 2^2 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, तीन बल्ब हैं तो 2^3 8 कॉम्बिनेशन होते हैं. और ये किस बेसिस पे चलते हैं, 2×0 2×1 फिर 0101. अगर 8 होते तो कैसे करते, 8 का आधा कर दो 4, 4×0 4×1, नेक्स्ट में फिर 2×0 2×1 फिर 0101. ठीक है, क्लियर. तो आउटपुट क्या होएगी, फर्स्ट वाले केस में D0, मतलब अगर तुम यहाँ पे 0 0 को सिलेक्ट कर रहे हो तो आउटपुट क्या आएगी, D0. मतलब ऊपर तुम्हारा कौन सा कॉलम था, जैसे मैंने बताया था जीन्स, कि अगर तुम चाहते हो कि जीन्स को तुम्हें सिलेक्ट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट केस में अगर तुम 0 1 सिलेक्ट करते हो तो D1 आएगा. D1 मतलब क्या था, तुम्हारा टी शर्ट. ठीक है, तो सोन, फिर एक्सेसरीज D2 और फिर लास्ट में बैग. सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल. टेल मी एनी डाउट अप टू हेयर. ट्रूथ टेबल बना ली, देन वी नीड टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन देखो कैसे आएगा, यहाँ पे S1 के नीचे क्या है, 0, तो क्या हो गया, S1 बार, S0 बार और D0. फिर उसके बाद S1 के नीचे क्या है, बार है, 0 है तो बेसिकली बार, S0 D1 प्लस S1 S0 बार D2 प्लस S1 S0 D3 एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर Y. नेक्स्ट इस केस में और क्या बोलते हैं, यू हैव टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग गेट्स. अब तुम्हें बोले ना बोले, तुम्हें ये चीज़ काम करना ही है जो मैंने करा है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे किस में था, क्वेश्चन था, ड्रॉ द 8:1 मार्क्स.
है, जैसे मैंने 4:1 का बनाया, ऐसे 8:1 का बन जाएगा। डीमक्स अभी बताऊंगी। ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड ट्रूथ टेबल। सो ये सारी चीज़, जैसे कुछ भी पूछा हुआ है तो तुम्हें ये सारी चीज़ करके आनी है। ये बनाना है, देन यू नीड टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, देन यू नीड टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब लॉजिक सर्किट में एक S1 है, एक S0 है, और S1 बार है तो एक लाइन ले लो यहाँ पे, ऐसे नॉट की पूरी खींच लो, तो ये रेड वाली क्या हो जाएगी, S1 बार। इसी तरह S0 के आगे एक लाइन पूरी खींच लो, तो दैट वुड बी S0 बार। ये क्या हो गया, S0 बार, S1 बार। तो फर्स्ट केस में क्या है, S1 बार से कनेक्ट कर दो, S0 बार से कनेक्ट कर दो, और D0, तीनों का ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट है, S1 बार से कनेक्ट कर दो और S0 से कनेक्ट कर दो और D1 से कनेक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, D1। सिमिलरली आगे ऐसे बना देना, ठीक है, और फिर इन सब का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, और गेट का। तो दिस इज योर ट्रूथ टेबल। नाउ इन द पेपर क्वेश्चन दे आस्क यू टू डिजाइन 8:1। तो 8:1 मीन्स विल हैव थ्री सिलेक्ट लाइन्स। थ्री सिलेक्ट लाइन मीन्स S0, S1, S2 विल हैव 8 नंबर ऑफ इनपुट्स, D0, D1 और D7। किसी किसी बुक में D मीन्स डेटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, एंड किसी में I4 इनपुट से रिप्रेजेंट कर रखा है, सो बोथ द थिंग्स आर सेम। ओके, नेक्स्ट दे हैव मेंशन्ड यू नीड टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल इफ देर आर थ्री सिलेक्ट लाइन्स, मीन्स देर आर थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, S0, S1, S2। इफ देर आर थ्री सिलेक्ट लाइन, बेसिकली देर आर थ्री इनपुट्स एंड 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सो इट वुड बी 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1, एंड आउटपुट इज स्टार्टिंग फ्रॉम D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल वी कैन मेक एन एक्सप्रेशन, S2 बार, S1 बार, S0 बार, D0 प्लस S2 बार, S1 बार, S0, D1 प्लस S2 बार, S1, S0, D2 प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद यू नीड टू रियलाइज इट विद द हेल्प ऑफ गेट्स। ठीक है, इजी था। अब इसी तरह इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ फॉर 16:1 मार्क्स, तो हाउ मेनी आर द सिलेक्ट लाइन, 4, बिकॉज 2^4 इज 16। इट वुड बी S0, S1, S2, S3, राइट, एंड इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम D0 टू D15, आउटपुट इज अगेन Y, और तो 4 इनपुट बनेंगे, तो 4 के केस में 16 इनपुट, तो 16 में से 8 बार 0 एंड 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1। ठीक है, क्लियर। अब इसके साथ ही एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मक्स। मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर की क्या एप्लीकेशन होती है, इट इज यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कनेक्शन। अगर हम मक्स यूज करेंगे तो वायर्स के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, मतलब तारे जैसे होती है ना उलझी हुई सी, वो नहीं रहेंगे, एक बॉक्स में फिक्स हो जाएंगे और एक सेटिंग हो जाएगी कि ये सिलेक्ट करा तो ये आएगा। ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, एज आई टोल्ड यू, मक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। इट इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक डिजाइन। ठीक है, गॉट इट। तो ये तुम्हारा VIT चेन्नई का है, इस ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द
सेट डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। देखो सबसे पहले तुम्हें गेट्स पता होना चाहिए। गेट्स पता है ना, आइडिया है ना कौन सा गेट क्या होता है, या मैं बताऊँ? टेल मी फर्स्ट दैट। तो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, विजिबिलिटी है, ये ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार, दोनों पे कौन सा है, ये नोर गेट है, लाइक ये वाला गेट कौन सा होता है और उसके आगे एक सर्कल लग गया तो नोर बन गया। तो एक इनपुट तुम्हारी ए जा रही है, एक इनपुट तुम्हारी ए बार जा रही है, तो इसका क्या हो गया, ए प्लस ए बार, और नोर है तो उसके ऊपर एक और बार आ गया, ठीक है। तो इसकी आएगी ए प्लस ए बार और बार। इसी तरह ये देखते हैं, ये क्या है, एक ए है और ये बी बार है, ये एंड गेट है, तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ए बी बार बन जाएगा। ये देखते हैं, एक इनपुट ए है, एक बी है, एंड ओके ए बी बन गया, ठीक है। ए बी एक इनपुट है और यहाँ पे ये नोर गेट है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ए बी बार। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंगल इनपुट देते हैं किसी में भी, नोर में या नैन में, तो वो नॉट की तरह बिहेव करता है। एक इनपुट जा रही है इसमें ए बी, तो आगे सर्कल है तो नोर है, नोर है तो ए बी बार बन गया ये। अब इसका देखेंगे तो ये और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में तो ए प्लस ए बार बार ऊपर से था, नीचे से क्या आया था हमारे पास, ए बी बार, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तो यहीं पे। जब भी तुम्हें पता होगा अगर प्लस के ऊपर बार आता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और डॉट के ऊपर बार आता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। तो ये कितना हो जाएगा, ए बार, ये बार खोल रही हूँ मैं, प्लस के ऊपर बार है तो डॉट, और यहाँ पे बार से बार कट गया, तो ये कितना आ गया, ए बार डॉट ए, यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? ए बार डॉट और बार से बार कट गया। अब तुम्हें एक चीज़ अगर पता हो तो ए डॉट ए बार कितना होता है, ज़ीरो। मैंने मॉर्निंग में क्लास में बताया था ना कि ए प्लस ए बार कितना होता है, वन, और ए डॉट ए बार कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए डॉट ए बार ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो है तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये इनपुट आ गई ज़ीरो, आउटपुट इसके साथ ऐड होएगी तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनली ए बी बार। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डी मक्स। डी मक्स क्या है, ये जस्ट अपोजिट है मक्स के। जैसे मक्स में क्या होता था, 8:1, बहुत सारी इनपुट होती थी और एक ही आउटपुट होती थी, इसमें क्या है, एक इनपुट है और बहुत सारी हमारे पास क्या है, आउटपुट, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। तो एक इनपुट है डी, आउटपुट हो जाएंगी y1, y2, y3, y अप टू सोन yn-1। इसमें भी सेम, या तो 1:2 का होगा, 1:4 का होगा, 1:8 का होगा, एंड सोन 1:16 का होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में वही 1:8 का बना के दिखा देती हूँ। एक इनपुट है, 8 आउटपुट है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये, सॉरी वाई नॉट से स्टार्ट होगा, वाई नॉट से कहाँ तक जाएगा, y7 तक। 8 इनपुट है तो 3 सिलेक्ट लाइन होगी, s0, s1, s2। तो अगेन तुम्हें वही चीज़ करनी है, सिलेक्ट लाइन की टेबल बना लो, s0, s1, s2, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट की बना लो, y0, y1, y2, y3 एंड अप टू सोन y7, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बोलो, पहले कोई डाउट, सेम प्रोसीजर है जैसे उसका करा था। टेल मी। अब ये बताओ कि 3 इनपुट है तो कितने पॉसिबल केस होंगे, वही 8 2 रेस्ट पर 3, तो 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें सबसे पहले आउटपुट किस पे आएगी, वाई नॉट पे, बाकी सब पे 0, फिर y1 पे, बाकी सब पे 0, फिर y2 पे, फिर बाकी सब पे 0, y3 पे, सो ऑन। इस तरह से ऐसे डायगनली ये बनता चला जाएगा,
फिर इसके बाद इसका एक्सप्रेशन ले लेना जैसे हमने मार्क्स में बनाया था, फिर उसकी ट्रुथ टेबल तो मैंने बता दी, फिर उसका लॉजिक गेट से रियलाइजेशन, ठीक है? क्लियर? टेल मी, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है लास्ट टॉपिक, दैट इज एडर। एडर दो टाइप्स के एडर विल हैव, वन इज द हाफ एडर। सुना है एडर के बारे में? वन इज द हाफ एडर एंड अनदर वन इज द फुल एडर। ओके, नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ एडर एंड द फुल एडर। इन हाफ एडर विल हैव टू इनपुट्स एंड इन फुल एडर विल हैव थ्री इनपुट्स, ए बी एंड सी। ओके, हाफ एडर, एडर मतलब क्या होगा? ऐड करते हैं, जैसे मैंने 9 प्लस 9 करा, तो 9 प्लस 9 रिजल्ट क्या आया मेरा? 18। इसमें 1 क्या हो गया मेरा? कैरी, है ना? इसी तरह जब भी हम डिजिटल में एडिंग करते हैं तो एक सम आता है और एक कैरी आता है। गॉट इट? तो अब नाउ टेल मी, 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 प्लस 0 इज 0, राइट? सम भी 0 और कैरी भी 0। गॉट इट? इसी तरह 0 प्लस 1 इज 1, सम 1, कैरी 0। 1 प्लस 0 इज 1, सम कैरी, कैरी 0, और 1 प्लस 1 इज, इसका रिजल्ट आता है 0 और कैरी इज 1। क्लियर? पहले ये बताऊं, क्लियर है? अब इसकी यू नीड टू ड्रॉ द टेबल। दो इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट क्या है? सम एंड कैरी। तो 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1, 0 1। तो अब नाउ कंप्लीट दिस टेबल। इसी तरह यू कैन मेक द दिस फुल एडर टेबल। 3 इनपुट है तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1। ये वाला भी करो एक बार, सम और कैरी के लिए। देखो इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास, 0 0 1 1। एक मिनट, नहीं, 0 1 0 और कंप्लीट द टेबल। नाउ सी, नेक्स्ट जो भी टेबल आएगी मैं होमवर्क में दे रही हूँ, क्या करना है उसके बाद आई टेल यू। सम का अलग से के मैप बनेगा, कैरी का अलग से के मैप बनेगा। दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। नाउ यू नो अबाउट द के मैप, राइट? तो 0 1 2 3, तो यहाँ से देखेंगे तो 0 1 2 3, तो 0 पे कितना नंबर है? 0, तो 0। 1 पे कितना नंबर है? 1, तो 1। 2 पे कितना नंबर है? 1। 3 पे कितना है? 0। तो अब इसकी नेमिंग कर दो, दैट विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर सम। सिमिलरली कैरी का अलग से के मैप बनाना, टू वेरिएबल का उसकी नेमिंग करना, दैट विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर कैरी, ठीक है? ऐसे इसमें करना, इसमें 3 वेरिएबल का है तो इस तरह से के मैप बनेगा तुम्हारा 3 वेरिएबल का। नंबरिंग कर लेना, डाल देना, और देन उसके बाद सम का एक्सप्रेशन आएगा और कैरी का एक्सप्रेशन आएगा। आफ्टर दैट जो एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा, यू नीड टू रियलाइज इट बाई यूजिंग ट्रुथ टेबल कह रही हूँ, यू नीड टू रियलाइज इट बाई यूजिंग लॉजिक गेट्स। वो तो तुम बना ही लोगे, है ना? बना लोगे ना? तो मैं बता देती हूँ एक बार, फुल एडर के लिए क्या आएगा? कैरी का ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है? सम का क्या आएगा? ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। क्लियर? हाफ एडर में तो एक हाफ एडर के केस में क्या आएगा? सम का एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी,
और कैरी का एक्सप्रेशन आएगा ए